बैक टू माई चैनल, मैं हूँ आकांक्षा। आज का जो वीडियो है उसमें मैं एक जेल बनाने वाली हूँ। ये जेल बालों की ग्रोथ के लिए, बालों से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ये जो जेल है ये बनाया गया है अनियन जूस से, और अनियन जूस के बारे में तो आपको पता ही होगा बालों के लिए कितना अच्छा होता है। प्याज में सल्फर भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही साथ इसमें होती हैं एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, जिससे कि जितने भी बालों से रिलेटेड इन्फेक्शन हैं वो बालों में नहीं होते हैं। बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बाल मोटे मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं। कुछ लोगों को गंजेपन का प्रॉब्लम होता है तो उनके नए बाल भी अगर प्याज का रस लगाया जाए तो आने शुरू हो जाते हैं। प्याज के रस के फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं, पर ये सब जानते हुए भी हम इसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि इसकी जो स्मेल है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आप हेयर वॉश कर भी लेंगे तब भी ये स्मेल नहीं जाती है। सेकंड रीज़न ये है कि रोज़ रोज़ प्याज का रस निकालना, उसका पैक बना के लगाना बड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हम रेगुलर ये चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते हैं। मार्केट में भी बहुत सारे क्रीम्स और मास्क अवेलेबल हैं जो कि अनियन से बने होते हैं, जिनके अगर हम प्राइस की बात करें तो कोई भी 500-600 से कम का नहीं है। मार्केट जैसी क्रीम जेल अगर हम घर पे ही बना लें तो मार्केट से ख़रीदने की तो ज़रूरत ही नहीं है, और साथ ही साथ हमारे इतने पैसे भी बच जाएंगे। सिर्फ 15-20 रुपये लगेंगे घर की चीज़ों से ये मास्क या जेल जो भी आप कहें बन जाएगा, और बालों के लिए उतना ही अच्छा काम करेगा, इवन और अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स वगैरह नहीं यूज़ किए गए। तो चलिए देखते हैं अब इस जेल को बनाना कैसे है। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी अपने वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले एक प्याज लेंगे, मैं बहुत छोटे साइज़ का प्याज ले रही हूँ क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में बनाने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको क्वांटिटी बनाना है या आपकी जितनी भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप प्याज ले सकते हैं, और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद इसका हम रस निकाल लेंगे स्ट्रेनर की हेल्प से। तो इधर पूरा रस निकल गया है, तो ये रहा प्याज का रस। अब इसमें हम एक चम्मच कैस्टर ऑयल मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैं एक चम्मच ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि प्याज के रस में ये मिल जाए। अब जेल कंसिस्टेंसी के लिए हम इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो घर का एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल ही यूज़ कर रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाएगी। जब तक इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी ना हो जाए, थिक ना हो जाए, तब तक आप इसको मिक्स करते रहिए, और किसी एयरटाइट कंटेनर में हम इसको निकाल लेंगे। तो ये बन गया हमारा अनियन जेल। तो देखा आपने कितना आसान है ये अनियन जेल बनाना, और आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी 15-20 दिनों तक रख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो और भी ज़्यादा टाइम तक के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मुझे इसकी स्मेल से इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है इसकी स्मेल को दूर करने के लिए। पर अगर आपको इसकी स्मेल से प्रॉब्लम है तो आप अपनी पसंद का कोई भी एसेंशियल ऑयल इसमें मिक्स कर सकते हैं, और अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इसमें नींबू की कुछ बूंदें, लेमन की कुछ बूंदें आप इसमें मिक्स कर लीजिए, जिससे कि इसकी स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इसको लगाना कैसे है। जैसे कि हम मास्क या पैक अपने बालों में लगाते हैं, वैसे ही इसको लगाना है। आप स्कैल्प पे इसको अच्छे से लगा लीजिए और हल्के हाथों से इसको मसाज कीजिए। 5-10 मिनट तक इसको हल्के हाथों से मसाज कीजिए। आप चाहे तो इसको पूरे बालों पे भी लगा सकते हैं, अपनी पूरी हेयर ग्रोथ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने बालों में इस जेल को लगाते हैं कम से कम 1-2 घंटे लगा के रखिए। इससे ज़्यादा भी अगर आप लगा के रख सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो रात भर भी इसको लगा के रख सकते हैं, और जब भी आपको वॉश करना हो तो आप इसको एक माइल्ड शैम्पू से वॉश कीजिए। अगर आप अपने बालों को सच में लंबा घना मजबूत डैंड्रफ फ्री बनाना चाहते हैं तो इस मास्क को आप वीक में 2-3 बार ज़रूर अप्लाई करें। आई होप
ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि बालों का झड़ना, गिरना, टूटना ये तो हर लड़की की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपकी भी ऐसी प्रॉब्लम है तो इस जेल को आप ज़रूर यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके बालों में इसने कैसा काम किया। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।